हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में, जिसको कई लोग मेडिसेलिक क्रीम भी कहते हैं। ये क्रीम का रिव्यू मैंने आगे भी किया हुआ, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आज के वीडियो में एक बार फिर मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में कम्प्लीटली जानकारी देने वाली हूँ। इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको किस टाइप के स्किन पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, किनको यूज करना चाहिए, किनको यूज नहीं करना चाहिए, इसको कब और कैसे यूज़ करें, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। भाई जी, मेडिसेलिक की क्रीम में 20 ग्राम की पैकेजिंग में आता है। इसका प्राइस है 150 रुपीज़। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा 130 रुपीज़ तक। बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो भाई जी ये क्रीम को मोस्टली लोग फेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं। कई लोगों को बेनिफिट्स मिलता है, कई लोगों को साइड इफेक्ट का सामना भी करना पड़ता है। बात करें ये क्रीम के एक्चुअल यूजेस के बारे में, तो अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो, आफ्टर एक्ने पिंपल के जो मार्क्स रह जाते हैं, झाइयां है, गहरे पुराने दाग है, उसके लिए भी ये क्रीम का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्किन पर डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम होने से भी इसका यूज किया जाता है। अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, सोराइसिस हो, उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव ऑइंटमेंट है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें यूज किया गया है क्लोबेटा प्रोपेनेट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। क्लोबेटासोल के बारे में तो आप सबको पता ही है, एक एस्ट्रॉयड है। ये स्किन के इंफ्लामेशन के ऊपर काम करता है, स्किन पर जो रेडनेस, सूजन, लालपन जो होता है उसको कम करता है। सैलिसिलिक एसिड का काम होता है कि एक्ने पिंपल को क्योर करना, एक्ने पिंपल के जो मार्क्स है उसको रिमूव करना। ये स्किन के ऊपर जो डेड सेल जम जाते हैं उसको धीरे धीरे हटाती है, जो स्किन पर दाग धब्बे होते हैं उसको रिमूव करती है। आपके चेहरे पर जो ऊपरी लेयर हट जाती है तो अंदर से न्यू फ्रेश स्किन निकल कर आती है, जो बेदाग क्लियर होती है। गाइज, ये क्रीम का रिजल्ट काफी फास्ट है, विद इन 7 डेज में रिजल्ट दिखने लगेगा। ये क्रीम को आपको दाग धब्बे के लिए ही यूज करना है, गोरापन के लिए यूज नहीं करना है। जो लोग गोरापन के लिए यूज कर रहे हैं, भले ही उनकी स्किन फेयर हो जाती है, जैसे आप ये क्रीम का यूज करना छोड़ोगे तो स्किन पहले जैसे हो जाती है। तो ये क्रीम का रिजल्ट टेम्परेरी होता है, जब तक आप इसे यूज करते हो तब तक रिजल्ट दिखेगा, इसलिए इसका यूज आपको जरूरी होने से यूज करना है। जैसे घर पे जैसे फंक्शन वगैरह हो, आपकी इंगेजमेंट हो, शादी हो, और आपके फेस पे दाग धब्बे हो, झाइयां हो, तो आप ये क्रीम का यूज कर सकते हैं। और जैसे आपकी शादी अगर है तो आप 1 से 1.5 महीना पहले ये क्रीम का यूज कर सकते हो, और ओनली नाइट में ही यूज करना। थोड़ी सी क्रीम लेके ओनली उस पार्ट में यूज करना जहाँ आपके दाग धब्बे हैं। आपको इसे फेयरनेस के लिए यूज नहीं करना है। अगर आप इसे फेयरनेस के लिए यूज करते हो, कंटिन्यू यूज करते हो, सालों साल यूज करते हो, तो स्किन को ये क्रीम सेंसिटिव बना देती है, स्किन पतली हो जाती है, फेशियल हेयर भी आ सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये क्रीम का यूज किया था, फेस पर बाल आ गए, अब क्या करें। तो इसलिए आपको टेम्परेरी यूज करना होता है इस टाइप की क्रीम। और जो लोग कहेंगे कि ये क्रीम को फेयरनेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो उन लोगों की बातों में आपको ध्यान नहीं देना है। फेयरनेस जरूर मिलता है इस टाइप की क्रीम यूज करने से, लेकिन बाद में साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए इस टाइप की क्रीम जब भी आप यूज करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे इस टाइप की क्रीम कोई भी क्रीम हो ऐसे अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।